भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल, नौगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। भागलपुर महोत्सव में शिरकत करने वाली बच्चियों को किया गया सम्मानित। भागलपुर में आयोजित भागलपुर महोत्सव में शिरकत करने वाली बच्चियों को बाल भारती स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया और बच्चों की हौसला अफजाई की गई। वहीं इस अवसर पर प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक डीपी सिंह सहित अन्य भी मौजूद थे। दूसरी तरफ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पवन कुमार सराफ, सचिव अजय कुमार रुंगटा आदि ने बच्चियों का उत्साहवर्धन किया है। नवगछिया, 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी राकेश राय को एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने की गिरफ्तारी। जीप सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय हत्याकांड में चल रहा था फरार। लूट, अपहरण, हत्या, आम सेक्स जैसे कई आपराधिक मामलों में वांछित रहे 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी राकेश राय को बिहार एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की टीम ने अपराधी राकेश राय को कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी राकेश राय खरीक जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय हत्याकांड में फरार चल रहा था। सोनू राय हत्याकांड में राकेश राय मुख्य नामजद अभियुक्त है। राकेश राय की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम ने राकेश राय को देर शाम नौगछिया पुलिस को सौंप दिया। राकेश राय गिरफ्तारी होने के बाद भी नौगछिया पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में शुक्रवार को विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। गिरफ्तारी के संदर्भ में पूछे जाने पर एसडीपीओ प्रवीण भारती ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। जानकारी मिली है कि राकेश राय को नौगछिया पुलिस गुप्त स्थान पर रखकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। मालूम हो 17 अक्टूबर को भागलपुर से तुलसीपुर आने के क्रम में जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई ऋतु ध्वज कुमार उर्फ सोनू राय की अपराधियों ने जगतपुर के पास गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी थी। सोनू राय की हत्या के बाद जिला परिषद गौरव राय के बयान पर परबत्ता थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें तुलसीपुर निवासी कुख्यात अपराधी राकेश राय, राकेश राय के पुत्र मुरली राय एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी शार्प शूटर पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटुआ यादव को नामजद किया गया था। मुरली राय को नौगछिया पुलिस ने घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राकेश राय की गिरफ्तारी के लिए एसपी निधि रानी ने एसआईटी की टीम एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में गठित किया था। साथ ही एसपी ने बिहार एसटीएफ को राकेश राय की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। सोनू राय की हत्या के बाद पुत्र मुरली राय की गिरफ्तारी होने के बाद बौखलाए राकेश राय ने खरीक तत्कालीन थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप को फोन कर धमकी भी दे दी थी। पुलिस द्वारा राकेश राय के आपराधिक इतिहास को देखते हुए 50,000 के इनाम का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा था। हाल ही में पुलिस मुख्यालय से कुख्यात अपराधी राकेश राय पर 50,000 इनाम की घोषणा की गई थी। मालूम हो कि राकेश राय पर हत्या, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे 9 अपराधी मामले नौगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना में दर्ज है। वही अकाउंट में शार्प शूटर छोटुआ यादव पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। सोनू राय हत्याकांड में छोटुआ की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। नवगछिया, खगड़िया ने पहले सेमीफाइनल में जीत के साथ बनाया फाइनल में जगह। नवगछिया के बाजार समिति मैदान में चल रहे स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच गुरुवार को नौगछिया और खगड़िया के बीच खेला गया। नौगछिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए 132 रन बनाए, जिसमें 31 रन का योगदान शिकारी ने और 15 बॉल में 26 रन का बड़ा योगदान सिद्धू ने किया। वहीं खगड़िया की ओर से कुंदन ने 5 विकेट लिए। जवाब में खगड़िया की टीम ने बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 127 रन बनाए थे। उसी समय एक तकनीकी गलती हुई
कि एक गेंदबाज जो 4 ओवर कर चुके थे उनको 5वां ओवर गलती से कप्तान ने दे दिया। गेंदबाज ने भी अपना 5वां ओवर पूरा किया। चूंकि यह तकनीकी गलती थी इस कारण निर्णायक मंडली द्वारा 6 रन मिलने के कारण खगड़िया को विजयी घोषित किया गया और इस टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल मैच था जिसमें खगड़िया की टीम विजयी घोषित हुई। यह पहला सेमीफाइनल टूर्नामेंट का था जिसमें खेलकर हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। तकनीकी कारण से खगड़िया को विजेता घोषित किया गया। दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में जीत के साथ ही फाइनल में खगड़िया की टीम ने अपना स्थान। नवगछिया एसएसपी ने नवगछिया पुलिस जिला के पदाधिकारियों के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए निर्देश, कहा आपराधिक घटनाओं का थानाध्यक्ष करे त्वरित निष्पादन। नौगछिया के प्रभारी एसपी सह एसएसपी भागलपुर आशीष भारती ने गुरुवार को नौगछिया एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ प्रवीण भारती सहित सभी थाना के थानाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में आपराधिक घटना, विधि व्यवस्था एवं ट्रैफिक की समस्या को लेकर पुलिस पदाधिकारियों से समीक्षा की गई। वहीं मौके पर प्रभारी एसपी नौगछिया सह एसएसपी भागलपुर ने कई दिशा निर्देश दिए। अपराध समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था और साथ में विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो पिछले महीने की जो घटनाएं हैं उसके त्वरित निष्पादन के लिए और समीक्षा की गई थी। पिछले माह काफी अच्छा कार्य हुआ है। मात्र एक हत्या रंगरा थाना क्षेत्र में हुआ है और एक गंभीर दंगा भी रंगरा थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें दोनों मामलों में अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, दो अपराधी की, लेकिन कुछ अपराधी उसमें शेष है तो उनकी गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया है। साथ में एक इस्माइलपुर में जो लूट की घटना हुई है उसका अभी तक डिटेक्शन नहीं हुआ है तो उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उसको जल्द त्वरित रूप से उसका डिटेक्शन करके उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। इसके अतिरिक्त जो विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई तो उसमें कोई मेजर वैसा कोई इशू नहीं था। ट्रैफिक को लेकर के भी समीक्षा की गई थी तो ट्रैफिक में अभी स्थिति सामान्य थी, लेकिन पिछले कल से लगन के कारण और जो गाड़ियों का लोड बढ़ा है उसके कारण थोड़ा सा उसमें समस्या हुई है और क्योंकि फोर्स अभी पैक्स चुनाव के लिए क्लोज कर लिया गया है तो उसके कारण थोड़ा समस्या हो रही थी, तो कल जो फोर्स है उसको वापस कर दिया गया है सभी थानों में ताकि वो उसको ट्रैफिक का उसको स्मूथली कर सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रैफिक भी की भी समस्या टीओपी पे जो फोर्स दिया गया था वो फोर्स नहीं है, सब छुट्टी भी चले गए हैं। नहीं, उसमें देखिए 3 डीएपी का फोर्स था और 15 होमगार्ड दिया गया था तो उसमें से कुछ पर्सनल रीजन से, मतलब कोई बीमार पड़ गया, किसी के पिता की डेथ हो गई, ये सब कारण से, तो उनके जगह पे तीन दूसरे डीएपी का प्रतिनियुक्ति आज शाम तक वो हो जाएगा और 15 जो होमगार्ड हैं वो तो वहाँ पे है ही, तो कोई समस्या नहीं है। फिर बाजार में इस तरह की पूरा भीषण जाम, बाजार के लेकर क्या है सर? इसको लेकर के एसओ चुनाव गछिया को निर्देश दिया गया है, जो अतिक्रमण है मुख्यतः वहाँ पे अतिक्रमण के कारण समस्या है तो सीओ के साथ समन्वय बैठाते हुए और डीएसपी नवगछिया को बोला गया कि एसडीओ नवगछिया के साथ संपर्क करके अतिक्रमण हटाओ अभियान वहाँ चलाया जाएगा ताकि उसको जामुक्त किया जा सके। धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7992-499-821।
कोचिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचनवेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर, नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096 11005, 82942 91 31 26। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम, वर्ल्ड जिम, स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के समीप, नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम, नवगछिया स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929, 9031 69 69 29, 9031 69 69 29, 799 224 5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586, 82945586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर, शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर, नया टोला, नवगछिया, काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571443094 8779 23100। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक, नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक, नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक, नवगछिया, NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31, अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक, नवगछिया। विक्रमशिला सेतु व NH 31 पर लगा रहा जाम, पूरे सड़कों पर रेंगते रहे वाहन, जाम में SSP, एम्बुलेंस व कई दूल्हे, दुल्हन व बारात की गाड़ियां भी फंसी। विक्रमशिला सेतु पर प्रशासन स्तर से बनाई गई नई व्यवस्था भी जाम को निजात दिलाने में सफल नहीं हो पाई। नई व्यवस्था बनाए जाने के बाद भी गुरुवार को पुल एवं पहुंच पथ पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। पहुंच पथ पर नो एंट्री को लेकर भारी वाहनों की लंबी कतार रहने के कारण पहुंच पथ पर भारी वाहनों का वन वे परिचालन हो रहा था, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पहुंच पथ पर जाम के कारण सवारी वाहनों का परिचालन जाह्नवी चौक 3314 नंबर सड़क से होकर हो रहा था, जिसके कारण उक्त सड़क पर भी जाम लग गई थी। तितरी बीपुर 14 नंबर सड़क भी जाम की जद में था। पुल एवं पहुंच पथ के अलावे NH 31 पर भी भीषण जाम लगी हुई थी। NH 31 पर वाहनों की लंबी कतार खरीक से लेकर रंगरा तक 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में थी। जाम लग जाने के बाद वाहन किसी तरह वन वे होकर निकल रही थी। जाम रहने से NH 31 व विक्रमशिला सेतु व सेतु पहुंच पथ पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई थी। वहीं NH 31 एवं पुल पहुंच पथ पर जाम रहने के कारण भागलपुर SSP आशीष भारती, एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों की गाड़ी, कई दूल्हे, दुल्हन व बारात की गाड़ी के साथ सैकड़ों सवारी वाहन जाम में घंटों फंसी रही। तितरी बीपुर 14 नंबर सड़क पर जाम लग जाने के कारण तुलसीपुर से प्रसव पीड़ा से पीड़ित मरीज को लेकर जा रही खरीक PSC की एम्बुलेंस करीब 30 मिनट
तक जाम में फंसी हुई थी। एम्बुलेंस द्वारा लगातार सायरन बजाया जा रहा था, लेकिन जाम इतना भयावह था कि एम्बुलेंस को भी जाने की जगह नहीं मिल रही थी। इस दौरान बीपुर सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी भी जाम में थी। एम्बुलेंस को जाम में फंसा देख सर्किल इंस्पेक्टर के साथ चल रहे जवानों ने जाम को हटाना शुरू किया एवं वाहनों को कतारबद्ध कर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया। वहीं इसके अलावा NH31 व सेतु पर जाम को हटाने में नौगछिया पुलिस लगी हुई थी। इधर NH31 व पुल पहुंच पथ पर जाम की समस्या को लेकर SSP आशीष भारती ने कहा कि लगन को लेकर वाहनों के अत्यधिक परिचालन होने के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हुई है। चुनाव को लेकर थाना से फोर्स को क्लोज कर दिया गया था, जिसको लेकर भी परेशानी हो रही थी। थानों को फोर्स भेज दिया गया है, उम्मीद है कि ट्रैफिक की समस्या का निदान होगा। नवगछिया मदन अहिल्या कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा व आत्मनिर्भर को लेकर मिशन साहसी शिविर शुरू। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर मिशन साहसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज अध्यक्ष स्मृति सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। शिविर में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर एवं ब्लैक बेल्टेड मोनी कुमारी कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भावना झा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लवली कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्य सदस्य खुशबू राज एवं पूर्व छात्र संघ सचिव आकांक्षा चौधरी, उपाध्यक्ष प्रतिभा झा, शिक्षिका मीना कुमारी, डॉक्टर रीता राय, शिक्षक प्रोफेसर शैलेश कुमार एवं प्रशिक्षक जेम्स फाइटर ने संयुक्त रूप से किया। दूसरे छात्राओं की सुरक्षा कर सके अगर कोई संगठन है तो एकमात्र वो संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आज आप लोग यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और यही आशा और अपेक्षा करती हूँ कि सर जिस तरह से अपना 100% देकर आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोग भी इस ठंड में हल्की सी धूप का आनंद लेते हुए अपना 100% देकर मिशन साहसी को सीखेंगी, विद्यार्थी परिषद के इस मुहिम को सार्थक बनाएंगी और खुद आप लोग मिशन साहसी से साहसी बनकर दूसरी छात्रा बहनों को भी साहसी होने के लिए प्रेरणा देंगी, जिससे हमारा ये मिशन साहसी कार्यक्रम। नवगछिया ट्रेन में चोरी करते पॉकेट मार गिरफ्तार। कटिहार बरौनी रेलखंड के नारायणपुर स्टेशन पर बुधवार की रात्रि कैपिटल एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ पॉकेटमारी करते युवक को यात्रियों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। बीपुर GRP थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार पॉकेटमार जयपुर चूहरपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 13 के नारायणपुर निवासी महमूद अली के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोफी अली को कांड संख्या 20/19 दिनांक 11/12/2019 धारा 379/411/34 IPC के प्राथमिक अभियुक्त को गुरुवार को खगड़िया जेल भेज दिया गया। नवगछिया सड़क दुर्घटना में 4 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH31 स्थित 0 माइल के पास बुधवार की देर रात टेम्पो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां सभी घायलों का इलाज किया गया। घायलों में रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के उमेश यादव, सबौर थाना क्षेत्र के बबलू मंडल पवन कुमार, अमोद कुमार घायल हैं। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे वृद्ध का मेडिकल चेकअप। गोपालपुर प्रखंड के डिमहा गांव के मुखिया पति अजय चौधरी द्वारा खेती न करने दिए जाने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठे वृद्ध ब्रजनंदन चौधरी की हालत बिगड़ गई है। गुरुवार को नवगछिया अनुमंडल के चिकित्सकों द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। वृद्ध अपने बात पर अड़िग है, उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे अनशन पर डटे रहेंगे। नवगछिया चालक खलासी की हत्या कर ट्रक को गुम करने की आशंका। बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा बिरहा निवासी राम बाबू राय ने अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके चालक खलासी की हत्या कर 14 चक्का ट्रक को गुम करने की आशंका व्यक्त करते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। ट्रक मालिक का कहना है कि कोलकाता के चोला मंडलम कंपनी से उन्होंने पुरानी गाड़ी की खरीद की थी, जिसे समस्तीपुर के ही गौतम कुमार राय और खलासी भगवान लाल यादव चला रहा था। 28 नवंबर को चालक और खलासी ने उनके बैंक खाते में 57,000 रुपए भेजा और सूचना दिया कि वे लोग लोहे का एंगल लादकर आसाम जा रहे हैं। दोनों ने गाड़ी का नेशनल परमिट समाप्त हो जाने के कारण गाड़ी के कागजात की मांग नवगछिया में की थी। 5 नवंबर को चालक गौतम को कागजात बनवाकर नवगछिया से खगड़िया बुलाकर दे दिया गया। उसी दिन ट्रक पर एंगल लादकर आसाम ले जाने की बात चालक ने बताई थी, लेकिन 8 दिसंबर को करीब 12 से 15 लाख रुपए मूल्य का एंगल असम में अपने निर्धारित स्थल पर नहीं पहुंचा। जब वे अपने चालक खलासी को फोन कर रहे हैं तो मोबाइल बंद आ रहा है। ट्रक मालिक ने कहा कि उन्हें आशंका है कि अपराधियों ने ट्रक को गुम कर दिया है और चालक खलासी की हत्या कर दी है।
पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।